गर्मद एक छोरा नौकर लागे रहो गए रब बाकी तो कुंबा भूखा मर गया उसके लारे कुराड़ से मतलब बडाना साहब के साथ में थे पहले। हाँ पहले बडाना साहब के साथ में था भाई नेम जाना है कहाँ से आप क्या नाम करने वाली सरकार है उसको वोट दे आराम से धर्म सिंह ने बनाओगे डट के कती 70% धर्म जीतेगा हर जिन्हें चाहोगे न लुआओगे दोनों छोरे लुआऊंगा वो डगरा जन दे। हाँ मैं तो लग गया को नहीं 98 से ग्रेजुएट हूँ मैं कहते तो मैंने उन्हें पढ़ मरना है जो पढ़ेगा वो इलाके का अरे चल लगी जाटा की सरकार में। हाँ शरद मारो तीन किले आओ मैंने कुराड़ में। अच्छा जी हाँ ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ दो एक ससुराल में भी आवा जो 4 करोड़ गए हैं। अच्छा हाँ तो मतलब किस बेस पे आप शरद में आ रहे हो क्यों लगता है कि आपको भाई धर्मा जी तक जहाँ मार रहा तो धर्मा तो चल जाए विधानसभा में और एक तरफ जो है बढ़ाना और एक तरफ छोकर साहब जो है चुनावी रण मैदान में है तो तमाम चीजों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा की रैली है कुछ आगे पर जो है दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर संबोधन करेंगे। फिलहाल कुराड़ गांव से आए जी कुराड़ गांव से आया सभी रैली को सुनने के लिए तो इनसे समझेंगे अब की बार समालखा विधानसभा में किसके सर पर सजेगा था जी किसके सर पर पगड़ी सजेगी धर्म सिंह के क्यों वो क्यों काम कर रखे भाई इसने मारा कह रहे अब की बार तो बढ़ाना जीत कर जाएंगे यहाँ से नहीं जानना 23% पे तो ये 35,000 तो जीत लिया। अच्छा हाँ 35,000 तो जीत रहा ये पहले ही यो कैसे कह सको आप ये कह सका हम हल्के का बेरा हमने सारे हरियाणा का बेरा इनका उड्डा की सरकार आओगे हरियाणा में हमने जो बेरा मानने फिरने वाला मान समा घर लुटा नहीं घर लुटने वाला पहले की बार तो बीजेपी की सरकार बन गई तीसरी बार जैसे मैं बीजेपी में था कांग्रेस में सीधा। अच्छा बीजेपी में थे पहले बीजेपी में था खट्टर मेरा भाई नहीं मिलता था मुझसे। अच्छा जी हाँ फिर आपने क्यों छोड़ दी बीजेपी क्यों छोड़ दी भाई वहाँ बढ़िया नहीं मतलब क्या ही होगा फिर ना टेक कर मतलब राजनीति करे। अच्छा क्या नहीं करता मैं और भाई उसने किसान मतलब धरती में छूट दिया किसान की गोज में पैसा हो तो मजदूर की हो मजदूर की हो तो दुकानदार के कपड़े वाले के हो तो ये सब खत्म कर दिया। अरे बीजेपी ने तो नौकरी दिया बिना खर्ची पर्ची के महंगाई सब सिस्टम बढ़िया कर दिया लाइट टाइम पे मिल रही है अरे नौकरी तक ये बना है कि नौकर के बच्चा हो जाने वाला उसकी नौकरी गर्मद एक छोरा नौकर लागे रहो गए रब बाकी तो कुंबा भूखा मर गया उसके लारे। अच्छा तो धर्म सिंह जताओगे अब की बात जताओगे कि जता रखे करतार सिंह बढ़ाना दो बार यहाँ से एमएलए रहे हैं विधायक सरकार ने छोट छोट बाज गया जमे जीव लागण का टाइम आ छोरे का जीवे बाज छोड़ के सरकार ने कोई तरीका है यू कौन बनाओगा इन्हें वोट किंग हटाओगे फरीदाबाद में 18-20 रुपये किराए के लायक तो छोड़ के चलेगा तो अपने लेके तो सक भी देकर तोड़ का सरकार अपना वो बैठा फरीदाबाद इब उसका जी करा लड्डू बंडन ने तो ये मीठे लग गए मैं सबे खा ले इन्हें तो बढ़ाना मैंने जमाज के छोड़ दिया है बढ़ाना मैंने जमाज के छोड़ दिया मैं एक नंबर का आदमी हूँ बढ़ाना का। अच्छा जी हाँ जिब नौकरी लगने का टाइम आज भी छोड़ के बाज गया 5 महीने पहले सरकार में था। अच्छा हाँ मार दे पेट पर लात लाग रही यार हम थोड़ा देंगे उसको मार दे पेट पर रोजगार पर लात लाग रही बीजेपी के ही थे बीजेपी के हाँ कांग्रेस में दुखी हो काहे क्यों उस तक दुखी हो गए पब्लिक। अच्छा तो ये देखो भाई कह रहे भी यहाँ कुराड़ गांव से आए थे सारे कुराड़ गांव से आप कुराड़ से हाँ कुराड़ से हूँ मतलब बडाना साहब के साथ में थे पहले। हाँ पहले बडाना साहब के साथ मतलब भाई नेम जाना है कहाँ से आप क्या नाम कुराड़ से विजेंद्र हूँ भाई विजेंद्र है। हाँ तो आप फिर क्यों आए यहाँ पर नौकरी लागण का टाइम में समझा नहीं आपकी बात यार जी मेरा लागण का टाइम आज भी सरकार में 5 महीने पहले भाज गया हो चुटाला के पास से मेरा लिस्ट में नाम गया था जी बेनू कहता एक भी लागेगा तू लागेगा 5 जगह नाम दे रखा हरमन में लागण का दावेदार था तो अब की बार तो बिना खर्ची पर्ची के अपने दम पर लगने वाली सरकार आ रही है उसको वोट दे आराम से धर्म सिंह ने बनाओगे डट के कती 70% धर्मा जीतेगा हर जिन्हें चाहोगे न लुआओगे दोनों छोरे लुआऊंगा वो डगरा जन दे। हाँ मैं तो लग गया को नहीं 98 से ग्रेजुएट हूँ मैं कहते तो मैंने उन्हें पढ़ मरना है तो कह रहे की जो पढ़ेगा वो इलाके का अरे चल लगी जाटा की सरकार में। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है ना मटर के बोल रहे मैंने कोई खागा ना मैं डरता कुछ लोग आपकी वीडियो देखेंगे भी कहेंगे सारा सौदा देखने दे पूरा हरियाणा देखो पूरा देश देखो देखने खातर बोल रहा मैं तो अब की बार सरकार लगता है उड्डा की सरकार अरे उड्डा की 99% के 202% आओगी तो दो बार नहीं आई सर ये तुम्हारू भाई कोई मरदा हो तो। अच्छा हाँ शरद मारो तीन किले आओ मैंने कुराड़ में। अच्छा जी हाँ ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ दो एक ससुराल में भी आवा जो 4 करोड़ गए हैं। अच्छा हाँ तो मतलब किस बेस पे आप शरद में आ रहे हो क्यों लगता है कि आपको धर्मा जी तक जहाँ मार रहा तो धर्मा तो चल मैंने की आपके जो भी है हरियाणा में सरकार की सरकार उड्डा की सरकार आओगी सर ये तुम्हारू में कोई मरदा होते
सरकार आओगी हाँ तीन तीन किले की मारो भाई फिर मुकर मुकरदा को एग्रीमेंट करवाओ चलो तहसील में तैयार हूँ चलो भाई देखो ये ये कोई सावत मेरे तो कुराट का विजेंद्र मेरा नाम है भाई अंग्रेज तो चले गए चलो जी बहुत बहुत सुन ले मेरी बात तगड़ी बात कर भाई तगड़ी नहीं यार कमाल यार सारा सौदा देने तैयार हूं अरे बढ़ाना के साथ में थे पहले अरे बढ़ाना के साथ में था भाई मैंने भाई नेम जाना बढ़ाना खर्चे पूछ भी लिए बढ़ाना ना को विजेंद्र बोल रहा था कुराट का जी मेरा काम में नहीं बना नौकरी का मैं क्यों मिलता मेरे तो पेट पलात मार के जा रहे हो मिला था उस नौकरी पंचकूला में होता तो मैं अफसर बने रहे वोट देंगे यार कमाल कर सरकार पिटे बीजेपी वाला ने आशा वर्कर ही ने पिटी किसान यूनियन ने पिटी और क्या करेंगे एक आदमी तो यही बात कर रहा था नहीं नुनु पिटे नु बोले गलत काम करेंगे तो पिटेंगे ना गलत नहीं करे बिल्कुल अच्छा अपना सुनो मेरी बात जंतर मंतर पर देश के हर वासी का जंतर मंतर बात मनवाने का सरकार मानो या ना मानो लेकिन ऐसा क्या कि बीजेपी की सरकार में बॉर्डर पर रोक लिया हरियाणा पंजाब मानो अब इसी बात ना तो अभी बैठे बॉर्डरों पे और पहलवानों के साथ भी राजधानी देश की दिल्ली है ओडा जंतर मंतर पर हर वर्ग हर समाज का जाने का पूरे देश में जितनी भी बिरादरी है तो इनको क्यों रोक लिया अच्छा, इतिहास में असमाल में बीजेपी नहीं बन पाई अब की बार टूट सकता है नहीं बनती भाई बीजेपी की बात पूरे हरियाणा में परमात्मा उड़ान लिया होगा जाट वाला जाएगा कांग्रेस की सरकार कांग्रेस की आगे उड्डा साहब की अरे सुन जाटा की नहीं भाई छत्तीस बिरादरी की सरकार हो एक जाति से कोई सरकार नहीं बनती अरे जो सिलेंडर मान लो 500 रुपये का अगर जाओ बहन के 1200 रुपये का रहा कमाल कर रहा तुम जो ट्रैक्टर सुन ले आपकी वीडियो वायरल हो गया जी जो ट्रैक्टर निकल गया ना कागजा तक कागजा से जो व्हीकल 10 साल तो ऊपर निकल गया उसके तड़ुआ होंगे नहीं क्या कार हो मोटरसाइकिल हो ट्रैक्टर हो कड़े से ले आओगे रे हमारा देश गरीब देश है भारत अच्छा हाँ कड़े नहीं मानना कोई अमीर देश है यू अच्छा जी हाँ गरीब देश है यू हर भूख मरी आ लिया नला का हर भूख मरी आओगी जब क्रांति आओगी चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका चलो और भी लोग आने लग रहे हैं और काफिला लंबा जुड़ गया है एक हमारे साथ भाई साहब जुड़ गए हैं तो बातचीत करेंगे अभी थोड़ी सी और आने लग रहे काफिला हो रहा है उसके बाद मैं अभी धर्म सिंह छोकर को दिखाऊंगा वहाँ पर लोगों का किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं पर कुछ लोगों से और मिला जाए और वहाँ की पब्लिक भी दिखाऊंगा कितने लोग वहाँ पर पहुँच गए लगभग 1 बज गए होगा हाँ 12 बजे अभी तक तो और ठीक हो जी बढ़िया बढ़िया और कैसे आप बस धर्म सिंह चौकर की रैली में आ रहे थे भगवान बढ़ाना की मैं जानते हैं यहाँ के करना अरे नहीं ये नजदीक पड़ा है यहाँ पचास के तेल में काम जाना चार धार ला के जाने पड़ेंगे अच्छा हाँ संभाल के ही तो है वो अरे संभाल के कहा तो पीछे भी हम तो सालों के साथ रहे हैं अच्छा जी फरीदाबाद जाना पड़ेगा सुरेश सरपंच गाँव अतुल्लापुर बलोकबापोली तोलापुर में तो कह रहे बढ़ाना साहब का जलवा चल रहा है मेरे गांव में जी 50% है बढ़ाना की जी हाँ। एक तरफा लहर है और भाई धर्म सिंह छोकर इस हल्के से विधायक बनेंगे और कैबिनेट में मंत्री बनेंगे अरे बढ़ाना वाला ठिकाने है लोगों को बढ़ाना 10 साल देख लिया जब 10 साल में कुछ निकल गया कौन पागल है इतना पढ़े लिखे हैं भी तो समझे बात ना कह रहा है कि मेरा बेटा उतार है कर जब की बार एक दस पहले 10 साल रह गया जी भूखन बताया गया था कौन भूखन आज मारे 4-4 करोड़ के किले रे हम भी खुद बढ़ाना था ऊपर है के बढ़ाना मारे अगर हाँ शेर है तो जाएगा शहर हो गया मैं गणधनी से कतई और 8 तारीख लपेट के भेज देगा चुक रहा था धर्म सिंह छोकर क्यों बनेंगे विधायक धर्म सिंह छोकर ने काम करे पूरे हल्के में विकास के नाम पे वोट देंगे अच्छा जी हाँ जी सही कह रहे हैं हाँ बिल्कुल विकास के नाम पे वोट पड़ेंगे विकास कौन है विकास कार्य मोदी जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास आप तो विकास में विकास में विकास कार्य 1200% 100 रुपए लीटर पेट्रोल भी कहा था ठीक है हाँ ये विकास हुए थे मोदी जी के विकास इतना सरकार ने इस सरकार ने इसको इतना प्रताड़ित किया इतना प्रलोभन दिया ना ये झुकया ना बिकया ना टूटा सही रहे तो अब तो कह रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं कि देश हित में वोट करो अब देश हित में वोट क्यों नहीं करते देश हित में ये क्या देश हित में कर रहे हैं हिमाचल में पैसे ले जी धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके इनका एक मुद्दा हिंदू मुस्लिम करके वोट लेनी हिमाचल में कह रहे हैं कि वार्षिक जो है खर्चा भी नहीं बैठ रहा सरकार पे कुछ नहीं जी ये तो बीजेपी सरकार अटा घट की जगह बटा बट होगी वहाँ पर तो यहाँ का बब्बर शेर धर्म सिंह छोकर बनेगा जी एक तरफा गति जी कांग्रेस देख लिया 10 साल भुगत कर धर्म सिंह 2 बार देख लिया आपने क्या हो गया धर्म सिंह छोकर विकास कर रहे हैं
हल्के में है ना, इतने जीवेंगे, यू ही बनेगा, यू ही रहेगा, इन्हें बनाऊंगे। काम भी नहीं कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, काम भी नहीं करेगा जी। धर्म सिंह पत्थरगढ़ से जी, पत्थरगढ़ से। ओहो, ये पत्थरगढ़ से आए भाई, इधर 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 कैमरे में दिखाओ। पत्थरगढ़ जहाँ से विधानसभा स्टार्ट होती है ना जी, ये लास्ट का गांव है। हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? समीर जी। समीर, हाँ जी, यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? धर्म सिंह रैली में आए जी। क्या सुनने के लिए आए रैली में? भाषण जी। क्यों? धर्म सिंह अपना आदमी है जी। अपना आदमी है? शेर है जी। ये अपने आदमी नहीं तो काम खो रखा है? नहीं, नहीं। सबका बनना चाहिए धर्म सिंह छोकर को। नहीं जी, खास मित्र है अपना। खास है, खास मित्र है जो। अच्छा, शेर है जो, एक नंबर का सर्कल चल रहा है। हाँ जी। वो क्यों, मतलब थोड़ा बताइए किस तरीके का सर्कल चल रहा है? काम करवा रखे जी मेरे गाँव में, प्लस टू स्कूल करवा जिनने, बस चलवा रखी जी उन्हें, आई टी आई करवाई जिनने, और क्या करवाओ जिसपे। आपके गाँव में बन रही है आई टी आई? नहीं जी, प्लस टू का स्कूल करवा हमारे गाँव में जी। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 साल तक यू बडाना साहब यहाँ रहे मंत्री मारे, और इसने कुछ नहीं करवाया। कभी बस आयो की बस बंद करवा दी, कभी टेम्पो चलवा दिए। थप्पा मारोगे अब की बार? धर्म सिंह चौकर, एक तरफा धर्म सिंह चौकर, धर्म सिंह चौकर, कोई नहीं है धर्म सिंह चौकर में। अरे ताऊ की सुन भाई, इलेक्शन खत्म हो गई, जमीन बैंड का खाऊंगे, हर आदमी जमींदार होगा, चूड़ा हो चाहे मारो, वोट नहीं गिरने का हम किसी की। पता नहीं क्या कहेंगे भाई। फिलहाल इस तरफ से काफी लंबा काफिला और लोगों से बातचीत, और बातचीत के दौरान ये चीजें निकल के आई है। आप इस वीडियो के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं, प्रवक्ता के अपने निजी विचार है, और जो सुना आपने, देखा होगा आपने कुछ क्या कहा लोगों ने, काफी चीजें मेरे भी सुनाई नहीं देती, कुछ ऐसी बात हो जाए तो उसके जिम्मेवार खुद प्रवक्ता होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।